इस वीडियो में हम तीन रिक्रूटमेंट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं REC। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट आई हुई है और अपने काम की जो है वो आपको दिखा देते हैं। ये है राजभाषा डिसिप्लिन में और ये आती है जी असिस्टेंट ऑफिसर राजभाषा, जिसका बेसिक पे है 30,000 और एक वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पे 40 एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास होनी चाहिए MA हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर MA इंग्लिश है तो हिंदी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और दोनों में कहते हैं कि 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। इसके साथ साथ कहते हैं कि डिग्री और मिनिमम 30 डेज ट्रांसलेशन कोर्स कंडक्टेड बाई CTB। तो CTB के द्वारा एक ट्रांसलेशन का कोर्स कंडक्ट कराया जाता है। वैसे कई प्रकार की दी जाती है इनके द्वारा प्रशिक्षण, तो ये आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एज 40 है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये आज तक हमने नहीं देखा कि किसी 30,000 बेसिक पे वाली नौकरी में 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन वर्क रिलेटेड टू राजभाषा और ट्रांसलेशन। आगे देखिए PWD कैंडिडेट्स देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार वो एलिजिबल है या नहीं है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बताते हैं, आगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और कट ऑफ डेट जो आपकी एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की है वो है 9/2/2024, मतलब इससे पहले आपकी सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, क्या कुछ होगा, इंटरव्यू होगा, उसकी वेटेज कितनी लगेगी, रिटर्न की वेटेज कितनी लगेगी। और आगे चलते हैं, इतना ही है। बाकी लास्ट डेट इसकी है 9/2/2024। और अब आते हैं एक और दूसरे रिक्रूटमेंट पर, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनकी ओर से 2021 से रिक्रूटमेंट आ रही है। पता नहीं ये वैकेंसी भर्ती भी है या नहीं भर्ती है, नहीं निकालते हैं या फिर उसको ही रीएडवर्टाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पे है हिंदी इंस्ट्रक्टर की जो भी आपको, और ये डेपुटेशन बेसिस पे है इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कौन जाएगा हैदराबाद में हिंदी सिखाने के लिए, और वो भी डेपुटेशन बेसिस पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे। तो पता नहीं इनका क्या चक्कर चल रहा है ये 2021 के बाद से। तो इन्होंने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। और लास्ट वाली रिक्रूटमेंट जो है वो भी डेपुटेशन बेसिस पे है और ये है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। केवल एक पोस्ट है और ये देहरादून में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए भी अगर आपको यहाँ पे आप जाना चाहते हैं देहरादून में, तो यहाँ पे भी आप इनका इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो तीनों रिक्रूटमेंट का जो है हमने आपको इनकी जानकारी दे दी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो ये नोटिस जो डाउनलोड करना चाहते हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा।